जी पोलाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वेस्ट बंगाल से। इन्होंने हमें कॉल किया है और इनकी भी एक समस्या है, आइए जानते हैं। पोलाश जी बताइए क्या परेशानी है आपके साथ। चलिए पोलाश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे और रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि एक बार फिर से आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक और दर्शक है हमारे साथ। हेलो, हेलो। हाँ जी, क्या मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकती हूँ आपकी इस बिल्कुल, बार? नमस्कार जी, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर जी, साहब आपको सुन पा रहे हैं, सवाल करें। क्या मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकती हूँ आपकी इस जी बार? जी आप बात कर रही हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। डॉक्टर साहब, मुझे ना पैरों में तकलीफ है, पैरों पे काले काले धब्बे हो गए हैं 8-10 साल से। तो जी इसके लिए कुछ तकलीफ कह मतलब रहे बहुत हैं, तकलीफ भी है क्या? तकलीफ ऐसे तो कुछ नहीं दिखती, पर काले काले बहुत ज्यादा हो गए, मतलब देखने में ब्लैक कलर के ही लगते हैं, जैसे ब्लैक हो गया हो। ठीक है, दर्द तो नहीं है ना? जी दर्द तो नहीं होता, मतलब वैसे तो दर्द रहता है जैसे आम होता है, आम लेडीज के, पर ज्यादा वैसे दर्द नहीं होता इसकी वजह से, पर देखने में बहुत ज्यादा गंदे लगते हैं। तो क्या इसका कुछ इलाज है? नहीं, बहुत अच्छा इलाज है इसका। जिनको भी छीपे हो जाएं, काले निशान हो जाएं, या मुहासे के निशान हो जाए, मुहासे निकलते हों, एसिडिटी बनती हो, कब्ज रहता हो, या ऐसे आप जैसे निशान हो जाते हों, तो इनके लिए बहुत अच्छा एक इलाज है। अलसी लीजिए आप 500 ग्राम, 500 ग्राम अलसी हल्का सा भूनें, उसका पाउडर बना लें, और नमक, जैतून, जैतून का एक नमक आता है जो देखने में नमक जैसा होता है, खाने में नमकीन नहीं होता, इसे जैतून का रसायन भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे एस्टेक जैतून कहते हैं। आप 100 ग्राम लेकर इसमें पाउडर मिला लीजिए, दोनों का पाउडर बनाइए, और आधा आधा चम्मच या एक एक चम्मच सुबह शाम पानी के साथ लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हाँ, वाकई में उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक हैं, राजू जी ने हमें कॉल किया है गाजियाबाद से। राजू जी बताएं क्या प्रश्न करना चाहते हैं आप। हाँ जी नमस्कार जी सर। जी आदाब। नमस्कार। हाँ जी, मेरे मेरी 25 साल एज है जी, मेरे आर ए फैक्टर बढ़ा हुआ है सर मेरा। जी हाँ जी, आर ए फैक्टर इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, करीब करीब 54-53 हो रहा है, और मेरे घुटनों में पानी भर जाता है। जी गठिया बाय है मेरे, पानी कहाँ भर जाता है? जी घुटनों में पानी आ जाता है, सिरिंज द्वारा निकाला जाता है पानी, जब चलने फिरने में दिक्कत आ जाती है। अच्छा देखिए, एक बहुत गौर से सुनिए, बहुत गौर से सुनिए आप ये नुस्खा, और पता नहीं आपके साथ क्या हो रहा है, डॉक्टर्स क्या ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे बार बार तो पानी नहीं आता, पानी आने का तो रास्ता होता है, घुटने में पानी आने का कोई रास्ता ही नहीं होता, कैसे पानी आता है। बहरहाल आप जो भी करना चाहें इलाज करते रहें, लेकिन एक इलाज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 500 ग्राम अलसी हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, ठीक है, और एक चम्मच यानी 3-4 ग्राम छोटा चाय का चम्मच सुबह और शाम इसे खाना शुरू कर दें। यह आपको 7-8 महीने खाना है, ठीक है, इतनी लीजिए जितना आपको 7-8 महीने चले, या बार बार लेके पाउडर बना लिया करिए। और एक आता है गोंद स्याह, इसे काला गोंद कहते हैं, ये अलग से पाउडर बना लीजिए, 100-200 ग्राम खरीद के अलग से पाउडर बना के रखिए, और जब भी आप ये अलसी खाया करें इसमें, या तो आधा ग्राम समझ लीजिए कितना होता है, या 2 चुटकी गोंद स्याह इसमें मिलाकर अलसी पाउडर में रोज़ाना खा लिया करिए, एक बार या 2 बार। देखिए बहुत संयम रखना, हर महीने 10-20% फ़ायदा होगा आपको, बहुत तेज़ी से नहीं होगा, और अगर इतना संयम रखने को तैयार हैं तो ये नुस्खा शुरू करें। आपका ठीक होना बहुत ज़रूरी है, आप पर जिम्मेदारी होगी, आप बहुत छोटे उम्र के हैं,
और आपको सही इलाज मिलना बहुत ज़रूरी है। ये नुस्खा लें और आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, आपके साथ हमारी शुभकामनाएं भी हैं, जल्द से जल्द आप ठीक हो सकते हैं और हो जाएंगे। एक और दर्शक हैं, पिंटू जी ने हमें कॉल किया है, उनसे हम बातचीत करते हैं। उन्होंने हमें यूपी से कॉल किया है। पिंटू जी बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी माता जी जो उनका एज लगभग 55 साल के करीब है जी, उनको जो है 2-3 साल पहले पैरालिसिस हुआ था, जो कि अब तो ठीक है, दवा चल रही थी तो अब सही है, लेकिन उनका जो मुंह का जो स्वाद, जो खाने का टेस्ट है वो नहीं आ रहा है जी। जो कुछ भी खाती हैं तो उनको जैसे अच्छा नहीं लगता, टेस्ट नहीं मिलता जी। तो यही डॉक्टर साहब से बात करना चाहिए। मैं समझ गया, और ऐसी ख्याल रखा करिए अपनी माता जी का, जिनके पास इतने अच्छे बच्चे हों उनका ठीक होना तो मुमकिन होता ही है। और देखिए, एलोवेरा तो आप जानते हैं, एलोवेरा का सिरका ले लीजिए और रोज़ाना उनके खाने में सुबह शाम 2 चम्मच एलोवेरा का सिरका मिला दिया करिए। सिरका आप समझते हैं ना, एलोवेरा का विनेगर या साइडर कहते हैं सिरका, ये जायके में खट्टा होता है, और उन्हें पिलाया करिए, आप देखेंगे कि आपकी मम्मी का स्वाद भी लौट आएगा, और ये जो फालिज होता है, ये बार बार होता है, ये उसको इस फालिज के दोबारा होने से भी रोक सकता है। जी हाँ, वाकई में। तो ये भी आपको बता दें कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं हकीम साहब के साथ तो कई माध्यम हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक का जो पेज है हकीम साहब का, उनके नाम से ही है, वहाँ पर जा सकते हैं और तमाम तरह के नुस्खे आप देख सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब में भी हकीम साहब के नाम से एक अकाउंट है जहाँ पर नुस्खे देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि अगर आपका कोई भी सवाल होता है, कोई भी प्रश्न होता है, किसी तरह की परेशानी आपके साथ हो रही है, तो हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो भी लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। एक और दर्शक हैं, शबनम जी ने हमें कॉल किया है, उनकी क्या समस्या है आइए जानते हैं। शबनम जी बताइए। शबनम जी बताएं, स्वागत है कार्यक्रम में, पूछें अपना सवाल। डॉक्टर साहब, मेरे ना सारे बदन में, हड्डियों में, नसों में दर्द रहता है, और क्या नाम ये आधे बदन में कमर से लेके और रानों तक महीन महीन दाने हो जाते हैं, वो जाते नहीं हैं, और हलक में भी दाने रहते हैं, और एकदम से जिस जगह पर बैठ जाती है ना, वो जगह इतनी गर्म हो जाती है, एकदम लगता है कि आग निकल रही है बदन में से, और एकदम से काटे काटे चुप के एकदम पसीना पसीना आ जाता है मुझे जी। और एकदम से ठंड लगने लगती है, जैसे कूलर के आगे, पंखे के आगे नहीं बैठ पाती हूँ ज्यादा देर। बेटा कब से ऐसा है और कितनी आयु है आपकी? मेरी ऐसी 45 साल है, 40 तो होगी, 45 के बराबर है। ये करीब हो गई है ऐसी, मेरे को 8-10 साल हो गई है ये परेशानी में। हाँ देखिए, 8-10 साल से आप परेशान हैं, इलाज भी खूब कर लिए, और मेरी बात गौर से सुन लेंगे तो इस 8-10 साल की परेशानी 3-4 महीने में जा सकती है। आपके पास कॉपी पेन तैयार है क्या? अगर आपके पास कॉपी पेन तैयार है तो लिख लीजिए, वैसे तो नुस्खा आसान है लेकिन लिखना बेहतर है। देखिए, आप 500 ग्राम अलसी लीजिए और इसको भूनकर पाउडर बना लें, और 100 ग्राम गोंद स्याह खरीदें, लेकिन असली होना चाहिए, ये बहुत कड़वा होता है और नकली भी बहुत मिलता है, ब्राउन कलर का होता है लेकिन गोंद स्याह कहते हैं, यानी काला गोंद। तो ये असली मिल गया अगर आपको, समझ लीजिए कि ये अगर 100 ग्राम भी मिल गया तो आपको जब ख़त्म नहीं होगा, जब तक आपको फ़ायदा ना पहुंचा दे, लेकिन असली लेना ज़रूरी है। इस अलसी में मिला दीजिए, पाउडर बनी हुई अलसी में इसको भी पाउडर बना के मिला दीजिए, ये रॉ मटेरियल लेना, पिसा पिसाया नहीं। अब ये एक एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम आपको खाना है, खाने के पश्चात पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, या आप रईस हैं तो जूस से भी ले सकते हैं कभी कभी। ये 600 ग्राम पाउडर ख़त्म होने से पहले आपका रोग मुक्त होना
हो जाना चाहिए, लेकिन एक बात करना, आपके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट ना हो तो उसका इंतज़ाम करना, बस ये मेरी शर्त है। आपको मैं दुआ भी करूँगा कि आपको जल्दी फ़ायदा हो। शाहाना जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ, लखनऊ से हमें कॉल किया है। शाहाना जी सवाल कर सकती हैं आप। हेलो शाहाना जी, सवाल करें। हेलो वालेकुम। तो हकीम साहब, मेरी पेट में बहुत सालों से दिक्कत है, और मेरे पेट में मतलब पहले डॉक्टर ने अल्सर बताया था, उसका काफी टाइम इलाज चला, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो आते सूख गई थी, उसका बहुत इलाज चला, फिर काफी ठीक हो गई मैं, लेकिन अभी भी मेरे 2-3 महीने में भी अचानक से पेट में दर्द उठ जाता है और पूरी रात दर्द होता है जी। और मेरी जब तक की और हेलो जी जी एज भी बता दीजिए अपनी। जी मैं मेरी एज है 26। ठीक है, हाँ बहुत कम उम्र में आपको ही तकलीफ हो गई। आप खाने पीने में वही चीज़ें खाया करें जो हजम हो जाए आसानी से। आपको पता होगा कोई ना कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल से हजम होती है, तो वो चीज़ मुस्तरद कर दें। और अभी तो एक चीज़ आती है बेल का मुरब्बा, जो पत्थर बेल या बेल पत्थर कहते हैं, वो तो अभी 2 महीने बाद आएगी। बेल का मुरब्बा आता है, मुरब्बा बेल या बेल का मुरब्बा या कोवेट का मुरब्बा कहते हैं, इसको एक कतला रोजाना खाली पेट यानी निहार मुँह सुबह सुबह खा लिया करिए, 3-4 इंच का एक पीस, और रोज़ खाया करिए, ज़रूरत पड़े तो रात को भी खा सकते हैं। और जब बेल शुरू हो जाए पक्की हुई आनी, तो आधी बेल रोज़ाना खाया करें 2 वक्त में, और पानी खूब पिया करें। अंजीर अगर आपको ताज़ी मिल सकती है अंजीर, तो रोज़ाना 2 अंजीर खाया करें। अगर ताज़ी नहीं मिले तो जो ड्राई फ्रूट में अंजीर आती है उसको दूध में उबाल कर खाया करें। ये सब घरेलू नुस्खे हैं। और कोई भी तेज़ मसालों की चीज़ ना खाया करें। और गौन मोरिंगा सफ़ेद अगर मिल जाए तो 0.5 ग्राम दूध में मिला के रोज़ पिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी राम प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उन्होंने कॉल किया है अलीगढ़ से। राम प्रसाद जी बताइए किस तरह की परेशानी है आपके साथ। चलिए राम प्रसाद जी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और कार्यक्रम की शुरुआत में जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से आप पूरी तरह से फिट रह सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से लगातार हकीम साहब से हम बातचीत कर रहे हैं। हकीम साहब, नींद की अगर बात की जाए, जिस तरह का लाइफस्टाइल हमारा हो चुका है तो नींद हम पूरी नहीं ले पाते हैं, कम से कम कितने घंटे सोना ज़रूरी होता है ताकि हम पूरी तरह से फिट रहें? देखिए ज़्यादा उम्र वाले आदमी को 6 घंटे कम से कम नींद आनी चाहिए, और जवान को 7 या 8 घंटे का समय नींद का चाहिए, गफलत की नींद चाहिए। ये नहीं कि पूरे दुनिया के ख्यालात अगर हम लेके सोते हैं तो ऐसे ही स्वप्न आते हैं और ऐसा लगता है कि हम सोए नहीं, तो नींद भी गफलत वाली आनी चाहिए। और ये सेहत की निशानियों में से एक है। आप यकीन करेंगे कि मैं कभी लेट नहीं सोता ना लेट उठता। जो आदमी जल्दी सोएगा वही जल्दी उठ सकता है। और मैं एक ऐसी जगह चला गया जहाँ मुझे 20-22 साल गुजारने पड़े, और जिसे लोग रोशनी का शहर, हादसों का शहर और जाने कितने नाम हैं उसके, उसे महाराष्ट्र कहते हैं बम्बई। लेकिन मैंने वहाँ भी आदत नहीं बदली। वहाँ लोग फजर के वक्त सोते हैं जी, और मैंने अपना मामूल नहीं बदला। हम अपने आप में मजबूत हों और बहुत ख्वाहिशें कभी नहीं बढ़ाएं जी। ख्वाहिशें बढ़ाना भी नींद ना आने की वजह हो सकती है, डिप्रेशन की। अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी होता है। बिल्कुल।